कैसे आप लोग, आई होप कैसे होंगे। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने जो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में हेयर स्टाइल चल रहा है उसको बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे बनाओगे वो वन हेयर स्टाइल बताया था। आपने अगर नहीं देखा तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। और मैंने अपने बालों का कलर किया था उसका भी अपलोड कर दिया है वीडियो। और जो हेयर कट करती हूँ मैं उससे जो हेयर बचता है उससे स्टफी कैसे बना के आप ब्राइडल वन हेयर स्टाइल बना सकते हो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं बताने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा बन है, आप इसको वेडिंग पार्टी में बना सकते हो। उसके लिए आपको फ्रंट से आप जैसा भी लुक चाहो वैसा कर सकते हो। आप चाहो तो पफ बना लो या फिर जो भी आपको इजी लगे हेयर स्टाइल या फिर जो आपके चेहरे पर सूट करे आप उस टाइप से फ्रंट का रख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर सिंपल सा ट्विस्ट कर ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड मांग से कर ले रही हूँ। मेरे बाल अभी थोड़े बहुत गीले हैं। तो साइड से इतने से हेयर लेके मैं इसको ब्राइड बनाऊंगी और इसको मैं बैक में ले जाके ट्विस्ट कर दूंगी, सॉरी बैक में ले जाके पिनअप कर दूंगी। तो यहाँ पे जो उल्टी ब्राइड होती है वो बना ले रही है। ओके, तो इसको जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। शादी पार्टी में गाउन ड्रेस के साथ आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हो और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है और ये ब्राइड को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए इसको हल्का सा खींच ले रही हूँ दोनों साइड से। बहुत जल्दी जो मेरा माइक का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो आवाज़ का प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको इस तरीके से बैक में लेके जाना है और अंदर की तरफ इस तरीके से पिनअप कर देना है ताकि आपका क्लिप जो है वो दिखे ना। और क्लिप को दो क्लिप लगा लीजिएगा जिससे कि आपकी क्लिप निकले ना जल्दी इस तरीके से। और इसको हेयर से ढक देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड का जो हेयर है आप सिंपली ट्विस्ट भी कर सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरीके से भी बना सकते हो। इस तरीके से बना लिया है और यहाँ पे भी मैं क्लिप लगा दूंगी, दो क्लिप यहाँ पे भी ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने बताया था वैसे ही ऐड करना है ताकि आपका ये जो आप हेयर स्टाइल बना रहे हो वो बाद में खुल ना आए। ओके, ये हो गया। बाकी बच्चे हेयर को ऊपर की तरफ ले जाके, ज़्यादा लो नहीं और ज़्यादा हाई नहीं, आपको इसको पोनी बना लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोनी बना ली है। आप थोड़ा सा हाई भी बना सकते हैं आप, तो यहाँ पे दो के यहाँ पे इस तरीके से पोनी बना लेनी है। उसके बाद से आपको इस टाइप की क्लिप लेनी पड़ेगी बहुत सारी ताकि आपका बन जो है वो अच्छे से टिका रहे, इस टाइप की क्लिप। ओके, उसके बाद से आपको थोड़ा सा हेयर का सेट कर लेना है और इसको ऊपर की तरफ अपने फिंगर में रोल करना है। ओके, इस तरीके से रोल करके और आपको ये क्लिप लगा देनी है। ओके, एक क्लिप आप इधर से लगाओगे। और एक और क्लिप आप लगा दोगे ताकि ये खुले ना लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, इसको अच्छे से थोड़ा सा खींच लो। इतना करने के बाद से आपको इस साइड पे थोड़ा सा हेयर देनी है और इसको रोल करना है और यहाँ पे ले जाके जो आपने ये वाला बन बनाया है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको इसको भी क्लिप से सिक्योर कर देना है। ओके, फिर आपको दूसरी साइड से थोड़ा सा लेना है हेयर और इस साइड में लाके यहाँ पे इस पे भी क्लिप लगा दे रही है।
के लिए था, इसके बाद जस्ट यहाँ पे एक और क्लिप लगा दे रही हूँ। क्लिप लगा देना है। और यहाँ पे दो क्लिप फिर से ऐड कर देनी है। एक क्लिप और आपको लगा देना है ताकि आपका बंद खोल ना जाए। फिंगर को इंसर्ट करके उसके बाद से इस तरीके से आपके बन का कुछ लुक इस तरीके का आएगा। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो और इजी है ना, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खुद से भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप चाहो तो इसको जुड़े पिन से जुड़ा पिन लगा सकते हो, ये स्टोन वाले, ताकि थोड़ा और अच्छा लुक आ जाए आपके हेयर स्टाइल का। यहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप इस तरीके से जुड़ा पिन लगा दें। Bye-bye.